वेलकम टू ए पंकज नाइन्टी एज एजुकेशन दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं, हैं कि जो यूपी नेपाल की जो भर्ती आने वाली जो 2020 में जून में जो आपको ज़्यादातर देखने को मिला कि 25 जून से निकलेगा तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन उसमें यह है कि हम लोग इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि ट्रिपल सी इसमें लगेगा जो तो कब तक का ट्रिपल सी मान्य होगा हुआ जो सर्टिफिकेट है कब तक का मान्य होगा और कौन सा ग्रेड आपका आना चाहिए तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से बात करेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए तो आज चैनल को सब्सक्राइब तो करके बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे और वीडियो को लाइक शेयर जरूर अपने दोस्तों के साथ करिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें ग्रेड कि ग्रेड कौन सा लगेगा तो ट्रिपल सी आप लोग जानिए कि जो लोग ट्रिपल सी किए हैं आज तक जितनी भी वैकेंसियाँ निकली हैं यानी नि जब से ट्रिपल सी आपका चला है तब से जितनी भी वैकेंसी आज तक निकली हैं कहीं पे भी ग्रेड की बात नहीं की गई है सिर्फ और सिर्फ हर वैकेंसी में आपसे ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट मांगा गया है न कि कोई ग्रेड मांगा गया है और अगर ग्रेड मांगा जाएगा तो मान चलिए कि 90 परसेंट नहीं आपके 99 परसेंट क्या होंगे बाहर हो जाएंगे किसी भी फॉर्म से क्योंकि आपको पता होगा कि 80 परसेंट बच्चों का डी ग्रेड आता है ये भी बहुत जल्द कम ही आता है तो इसलिए आज तक ग्रेड नहीं सिर्फ ट्रिपल सी मांगा है कि ट्रिपल सी आप क्वालिफाई रहेंगे सेकेंड नंबर पर बात करते हैं हम लोग कि कब से कब तक मान्य होगा देखिए दो चीज़ें होती हैं यहाँ पर अगर आपका फॉर्म जो है 25 जून से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू होता है तो जो आपका सर्टिफिकेट होगा जो आप पास आउट होंगे वह मई के महीने में आप पास आउट होने चाहिए या तो 25 जून से पहले आपका ट्रिपल सी रिजल्ट जो है घोषित हुआ रहेगा तभी मान्य होगा अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि फॉर्म तो पहले भरा जाता है उसमें टिक मारा जाता है ट्रिपल सी है कि नहीं है फिर हम लोग इंटरव्यू के समय या जब आपका ज्वाइनिंग होता है तब सर्टिफिकेट मांगा जाता है तब हम लगा सकते हैं तो मैं बता दूं कि जो नोटिफिकेशन जारी होता है या इसके पहले जब भी जारी हुआ तो उसमें साफ साफ फॉर्म भरते समय ही लिख दिया जाता है कि सर्टिफिकेट कब तक का मान्य होगा जो आपका सर्टिफिकेट होता है उस पर पहले से साफ साफ लिखा रहता है कि वो सर्टिफिकेट कब का आपका बना है ट्रिपल सी का और कितने दिन का वह किस डेट पर और किस ईयर में लॉन्च किया गया था तो इस वजह से आप वहाँ पे क्या कि बाहर हो जाएंगे इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब भी फॉर्म जिस दिन रजिस्ट्रेशन चालू होगा उससे पहले क्या पास आउट होने होना आपका अनिवार्य रहेगा या तो उसके एक महीने पहले कर सकता, मही कर सकता है या वो मई तक कर सकता है अप्रैल तक कर सकता है या तो बहुत करेगा तो आपका पंद्रह जून तक का मान्य करेगा इससे ज़्यादा आपका मान्य नहीं करेगा ये हंड्रेड पूरा श्योर है तो यह कुछ नोटिफिकेशन था अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं मैं आपका रिप्लाई देने का जरूर प्रयास करूंगा रिप्लाई नहीं हो सके तो मैं उस पर आपके लिए एक पार्टिकुलर वीडियो बना के प्रोवाइड करूंगा फिर हम लोग नए वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद